वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है एसआरके फैंस के लिए, ठीक है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, एसआरके फैंस के लिए स्पेशल ये वीडियो है। और इस वीडियो में भाई मैं कोई रोस्टिंग ट्रोलिंग नेगेटिविटी नहीं करूंगा जो कि डंकी को लेकर मैं कर रहा हूँ ड्रॉप ऑन से लेकर। जैसे कि आप सबको पता है कि डंकी का जब से कुछ आ रहा है, मतलब ड्रॉप ऑन से लेकर ड्रॉप फाइव तक अभी तक जो कुछ भी आया है, मैंने सब पे भाई नेगेटिविटी किया है। और जो मुझे जैसा लगा है मैंने वैसा किया है। अब तुम बोल रहे हो कि जबरदस्ती की नेगेटिविटी कर रहे हो, डंकी 100 करोड़ करेगा, 1000 करोड़ करेगा, डंकी हिंदी में 500 करोड़ करेगा। तो भाई मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कहा है कि डंकी फ्लॉप होगा, डंकी 500 करोड़ नहीं करेगा, डंकी 1000 करोड़ नहीं करेगा। उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है ब्रदर, सुन लो मेरे बात ध्यान से। आज जो नेगेटिविटी, आज जो ट्रोलिंग जो मैंने शुरू, मेरा अगर आप अगर मेरा चैनल क्या पुराने व्यूअर्स हो तो जाके जवान का रिव्यू अभी भी मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हो, ठीक है। मैंने जवान मूवी का रिव्यू किया था और कैसा रिव्यू किया था जाके आप देख सकते हो। लेकिन डंकी के लिए ऐसा क्यों, सवाल सबसे बड़ा ये है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है, काफी लोग ऐसा समझते हैं कि भाई मैं सिर्फ सलमान खान का डाई हार्ट फैन हूं और बाकी भाई जितने भी स्टार है उनके लिए तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, तो मैं सिर्फ एसआरके का हेटर्स हूं। तो पहली मैं बताना चाहूंगा कि भाई तुम लोग जो समझते हो ना, ये तुम पूरा 100 में से 100% तुम गलत हो। मैं एसआरके सर से कभी भी नफरत नहीं की, ठीक है। बचपन से किसका मूवी देख रहे थे हम, अजय देखभाल, अक्षय कुमार, एसआरके, सलमान भाई, आमिर खान, इन लोगों का मूवी तो मैंने देख के बड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इनका हेटर्स क्यों बनूंगा, क्योंकि भाई बात यहाँ पे जो नेगेटिविटी हो रहा है वो मूवी को लेके एसआरके सर को लेके नहीं है बात। तुम कभी मुझे बोलने से, मुझे जब बोल रहे हो तुम अपने आप पे झांक के देखो जी, तुम लोग क्या किए थे टाइगर 3 के टाइम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डंकी फ्लॉप हो हिट हो, भाई देखो कोई भी मूवी हिट होता है भाई पब्लिक उसे पसंद करेगा तो हिट होगा, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, ठीक है। पब्लिक उसे नहीं पसंद करेगा तो भाई वो फ्लॉप हो जाएगा। इसमें भाई ट्रोल करने वाली क्या चीज है। अभी तुम टाइगर 3 को लेके अभी भी तुम लोग पड़े हो, तो मैं तुम्हारे स्टार का मूवी को मैं अच्छा रिव्यू दूंगा, तुम सोच कैसे लिए, सोच कैसे ले सकते हो कि मैं तुम्हारे स्टार को सपोर्ट करूंगा। जो भी हो रहा है भाई टाइगर 3 के टाइम तुम लोग जो जो किए थे भाई सब याद है, सब स्क्रीन शॉट है। मैं इतना स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा तुमको कि स्क्रीन शॉट का 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इतना स्क्रीन शॉट मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तुम्हारा था मतलब के आर के तुम्हारा बाप बन गया था, कुछ दिन पहले डॉगी तुम्हारा बाप बन गया था, अभी तुम डॉगी को गाली दे रहे हो, ठीक है। डॉगी भी तुम लोगों को पेल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हमको देखो, जब हमारा लोग चाटेगा तब हम उनसे सहलाएंगे और जब नहीं चाटेगा तब लात मारेंगे। तो ऐसा मतलब सिस्टम तो हम सलमान भाई के फैंस के अंदर नहीं है। तुम हमारे साथ जो करोगे भाई, तुम ईंट मारोगे हम तुमको पत्थर से जवाब देंगे। मूवी हिट होगा, 500 करोड़ करेगा, 1000 करोड़ करेगा, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मूवी को 1900 सब्सक्राइबर है मेरा, 1900, ठीक है, 4 महीने का चैनल है। मेरे मोहल्ले में आधे लोग मुझे नहीं जानते और मैं किसी मूवी को फ्लॉप करवा दूंगा, इतना औकात है मेरा, इतना औकात तो मेरा नहीं है। मैं शाहरुख खान तो बहुत दूर की बात है भाई, शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है, वो अपने जगह पे बहुत बड़ा, बहुत भाई मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, तो अपने आप में बहुत बड़ा स्टार है। और कोई आके उसका मूवी फ्लॉप करवा देगा। अभी पठान के टाइम कुछ भक्त बोल रहे थे ना कि पठान के बाद मन्नत के बाहर वो मन्नत मांगेगा, भीख मांगेगा। वो भाई 750 मिलियन जिसके पास है, 750 मिलियन या कितना भी है, मतलब रिचेस्ट एक्टर है वो, और वो एक मूवी फ्लॉप होने से क्या भीख मांगेगा। ये लोग चूतिया लोग ही बोल सकते हैं, ठीक है। मैं किसी भी एक वीडियो में दिखा तो डंकी ऑन से लेके 5 तक कि मैंने किसी भी वीडियो में बोला है कि डंकी ए होगा, डंकी मूवी वो होगा। भाई मैं जो चीज आ रहा है उस पर मैंने नेगेटिविटी किया है, मैं मानता हूं मैंने किया है, मुझे जैसा लगा है मैंने किया है। तुम्हें अच्छा लगा है तो तुम्हें अच्छा लग सकता है, तुम मेरा ओपिनियन तो नहीं बदल सकते, ठीक है। अब मुझे खराब लगेगा, डंकी तक तुम्हें झेलना होगा मुझे, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी भौंक लो, डंकी तक तुम्हें झेलना पड़ेगा, समझ लो बात। क्योंकि भाई एक फैंस अगर तुम हो, तुम फैंस हो, तुमको पता लगेगा कि किसी भी स्टार के फैंस को कैसे बुरा लगता है जब उनके स्टार को जब ट्रॉल किया जाता है, उनके स्टार को मूवी को लेके नेगेटिविटी किया जाता है तो कैसा लगता है, तुम्हें भी एहसास होना चाहिए ना, ठीक है। और हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, आज से नहीं बचपन से करते हैं, क्योंकि भाई टक्कर में तो कोई नहीं है दूसरे, सलमान भाई के टक्कर में तो भाई एक ही है और कोई नहीं है, और तुम लोग आके उसी में ही उलझे हो, आज से नहीं है, सदियों सदियों पुराने की बात है।
शाहरुख खान नंबर वन है, सलमान भाई नंबर वन है, और उधर से साउथ वाले पीछे से मार के ले जा रहा है, ठीक है। तो तुम जब मुझे बोलोगे तो अपने आप पे झांक के देख लेना, ठीक है, 10th of November से पहले, 10th of November में, उसके बाद तुम लोग क्या किए थे। मैं थिएटर में मूवी देख रहा था, यहाँ पे मूवी लीक हो गई, थिएटर में देख रहा हूँ, फोन में मूवी आ गई, मेरा टेलीग्राम पेज, भक्तेर भगवान शाहरुख खान, SRK फैंस क्लब, SRK किंग ऑफ ऑल्ड, स्क्रीनशॉट दिखाऊं मैं? तुम लोग मुझे आके ज्ञान देते हो, झेलते झेल पाओ तो झेलो, नहीं झेल पाओ तो चले जाओ, डंकी के बाद आना, ठीक है, डंकी तक तो ऐसा चलेगा, समझ लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, अपन नहीं रुकने वाला, समझ लो बात। हाँ, ये बात अलग है कि मूवी अच्छा होगा तो भाई अच्छा बोलेंगे, खराब होगा, अपन तुम जैसे तो नहीं है, KRK जैसा नहीं है अपन, कि भाई उससे जिससे प्रॉब्लम है वो उसका कुछ भी आया तो हीरा है वो भी भाई खराब, और उससे जिससे प्रॉब्लम नहीं है उसका अगर गोबर भी आया तो ठीक है। तो भाई आगे से कुछ बोलने से पहले अपने आप पे झांक के देख लेना कि तुम लोग पहले क्या कर चुके थे, ठीक है, अभी तुम लोग क्या किए हो, और तुमको तो झेलना पड़ेगा। अच्छी क्या अलग बात है कि मूवी हिट हो जाएगा, तुम्हारा अलग बात है, वो होता ही है, ऑडियंस को अच्छा लगेगा तो मूवी हिट होगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं होगा, हम भी डाउनलोड करेंगे, हम भी तो डालेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में अपना भी है, बहुत टेलीग्राम ग्रुप है, और इतना चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ भाई, सुबह 12 दोपहर के 12 बजे से पहले मैं डाउनलोड करके डालूंगा, तुम लोगों को बोल रहा हूँ, समझ रहे हो बात। इतना इतना किए हो भाई, एक बहुत पुरानी कहावत है, उतना ही करो जितना तुम सहन कर पाओ, ठीक है, तो जितना किए हो उतना सहने की तो सह भी तो सकते हो ना, तो सहो, नहीं सह सकते तो मत आओ मेरे वीडियो में, इसने कहा है तुम्हें आने को, मैंने तो नहीं बोला, ये चैनल सिर्फ सलमान भाई के फैंस के लिए है, ट्रॉल सलमान खान हेटर्स ओनली सलमान भाई के फैंस के लिए है और किसी के लिए नहीं। सो प्लीज सब्सक्राइब मी इफ यू आर ए डाई हार्ट सलमान खान फैंस, एंड इफ यू आर नॉट देन गुड आउट ऑफ हेयर, ठीक है, तो समझ चले जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, सलमान खान के फैंस जो है वो लोग सपोर्ट कर देंगे तो भाई कोई बात नहीं, ये चैनल सिर्फ उनके लिए ही है, तुम लोगों के लिए नहीं है, हेटर्स के लिए नहीं है, हाँ बजाएंगे हेटर्स का जरूर, मजा हम लेंगे, मजा हमारा जो व्यूअर्स है, हमारा जो सब्सक्राइबर्स है, अपना जो भाई के जो फैंस है, जो लोग इस चैनल के साथ जुड़ते हैं वो लोग मजा लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो भाई वीडियो यही पे खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय सलमान भाई।